नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूसा पीताम्बर आम के बारे में इसकी कुछ जानकारियाँ दूंगा। इस आम के बारे में पूसा पीताम्बर, ये दिल्ली के पूसा संस्थान द्वारा डेवलप किया गया आम है। ये एक हाइब्रिड आम है जिसे पूसा संस्थान द्वारा डेवलप आम्रपाली और दक्षिण भारत या मध्य भारत कहेंगे, और उड़ीसा और दक्षिण भारत में होता है लाल सुंदरी, इन दोनों के क्रॉस के साथ इसको बनाया गया है। आम्रपाली आम की बात करते हैं, जो आम्रपाली आम पूसा संस्थान द्वारा ही विकसित किया गया था और इसे दशहरी और नीलम के क्रॉस से इसको बनाया गया था। और इसी के साथ लाल सुंदरी आम है, वो दक्षिण भारत का आम है और लाल रंग का होता है आम, कलरफुल आम है ये, दक्षिण भारत में ये जा रहा होता है इसका पैदावार और दक्षिण भारत का आम है। तो इसको, इन दोनों को क्रॉस करके, आम्रपाली और लाल सुंदरी को क्रॉस करके ये पूसा पीताम्बर बनाया गया। पूसा पीताम्बर की बात कर लें तो ये हाइब्रिड आम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और ये एक मतलब 300-400 ग्राम तक का इसका फल हो जाता है पूरे मैच्योर होने के बाद। पकने के बाद बिल्कुल पीला होता है, अंदर से भी पीला होता है, और एक रेशा रहित आम है। और ये एक, इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मिठास भी लमसम 20 या 21 तक TSS इसका मापा गया है। और एक ये हाइब्रिड आम होने के चलते ये हर साल फलन देगा आपको। ये लंगड़ा चौसा हमारे जो देसी आम होते हैं, ये एक साल फलते हैं, एक साथ नहीं फलते हैं, लेकिन ये जो है वो हाइब्रिड आम है, क्योंकि इसको इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने जो खेती करते हैं उसमें उनको लॉस होता है, एक साल फल आता है एक साल फल नहीं आता है, तो उनको लॉस ना हो, उनको घाटा ना हो, तो इसीलिए इसको डेवलप किया गया ताकि ये हर साल फलन दे और हमारे किसानों को फ़ायदा हो। और हाइब्रिड आम होने के चलते इसमें बीमारियाँ भी कम लगती हैं, हर साल फलन देता है, और इसका पेड़ मध्यम आकार का होना जिसके चलते इससे हम सघन बागवानी भी कर सकते हैं। इसके बहुत कम दूरी पर 6x6 मीटर के में इसका पौधे लगा सकते हैं, और बहुत छोटे से ही, जिनके पास कम जमीन है जिन किसानों को, उन किसानों को ही देखते हुए इस पौधे को डेवलप किया गया है, और ताकि छोटे से एरिया में भी बहुत बड़े मात्रा में पेड़ लगाकर इसकी खेती की जा सके। और इसी तरह से हम पूसा पीताम्बर बहुत अच्छा आम है, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य आम की प्रजाति के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।